अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कल हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था, रेशियोज की वर्स प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो बेटा प्रोपोर्शन क्या होते हैं? प्रोपोर्शन क्या होता, रेशियो क्या होता था जिसमें हम दो क्वांटिटीज का कंपेरिजन करते थे? प्रोपोर्शन क्या होता है जिसमें हम दो रेशियोज का कंपेरिजन करते हैं? ठीक है, रेशियो क्या था जिसमें हम दो चीज़ों का, दो क्वांटिटीज का कंपेरिजन करते थे? और प्रोपोर्शन में दो रेशियोज का, यानी कितनी क्वांटिटीज हो गई? चार क्वांटिटीज। दो रेशियो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल कॉलन से। ठीक है, ये जो डबल डॉट्स हम लगाते हैं क्या है? रेशियो। और प्रोपोर्शन को किससे रिप्रेजेंट करती है? फोर डॉट्स से। ठीक है, जो ये फोर डॉट्स लगाते हैं इसका क्या मतलब है? प्रोपोर्शन। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या है? एक रेशियो है 4:5 और एक है 12:15। अब ये दो रेशियोज हैं। अब हमने इनका कंपैरिजन किया, इनको इकट्ठा किया, तो क्या किया हमने? इनका प्रोपोर्शन दिया। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 4:5 प्रोपोर्शन 12:15। ठीक है, समझ आया आपको ये चीज़? अब इसका क्या तरीका है? अब इसकी जो पहला नंबर और जो लास्ट नंबर जो होता है ना, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है? एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, और जो इसकी सेकेंड और थर्ड, ये जो दो वैल्यूज होती हैं प्रोपोर्शन से पहले वाली और प्रोपोर्शन के साइन के बाद वाली, ये क्या कहलाती है? मीन्स वैल्यूज। ठीक है, और इसके अलावा ये हर जो वैल्यू है इसका क्या नाम होता है? एक और नाम होता है, क्या? ये फोर्थ प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, किस तरह से? फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको? और आपको ये बात पता है कि रेशियो का क्या मतलब होता है? कि हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, यानी 4:5, 12:15 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4/5 प्रोपोर्शन 12/15। और एक और चीज़ याद रखिएगा बेटा कि प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल्स टू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 4/5 इक्वल्स टू 12/15। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा आपने ये नाम तो देखे कि इनका, ये दोनों का क्या नाम है? एक्सट्रीम, ये मीन्स, और ये फर्स्ट, ये सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसके अलावा भी एक और नाम होते हैं इनके। ठीक है, अगर ये जो हमारी मीन वैल्यूज़ है ना, जो ये प्रोपोर्शन से पहले और बाद वाली वैल्यूज़, अगर ये दोनों सेम है, यानी यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, तो इट मीन्स उसको क्या कहलाते हैं? अगर दोनों सेम वैल्यूज़ हो, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर ये क्या कहलाती हैं वैल्यूज़? अगर दोनों सेम हो तो मीन प्रोपोर्शनल। और फिर ये जो दोनों रह जाती हैं 4 और 8, ये क्या कहलाती हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन लिखते किस तरह से हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है? इनको रिवाइज करना है, इन चीज़ों को पढ़ना है अच्छे से, आपको सारे नाम आने चाहिए और ये सारा वर्क अपनी कॉपी में भी लिखना है आपने। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको प्रोपोर्शन के कंसेप्ट दिए। इंशाल्लाह जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, हम प्रोपोर्शन की एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।